गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइट प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट कर चुके हैं लाइट प्रोसेसेस क्या होती है, लिविंग नॉन लिविंग बींग्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे जो है लिविंग बींग्स में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होती है या कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है जो उन्हें सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, सिमिलरली जो है नॉन लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हमने स्टार्ट किया था कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस में, सबसे फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन जो है। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हमने जो है देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, वही कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को किसी और से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो जो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो है हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स का जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि प्लांट जो है कैसे सनलाइट और उनके पास प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज करते हैं, और कैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यानी गैसेस का एक्सचेंज जो है उनकी लीव्स पर ऐसे कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जैसे जिन्हें कहा जाता है क्या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली उन्हें वाटर जो है वो कहां से लेते हैं, अपने रूट्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और जाइलम नाम का टिश्यू जो होता है वो क्या करता है उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह उन्हें अपना फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसे वो लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटली जो है देखा भी था कि सनलाइट कैसे नेसेसरी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला चीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे हम पहले ये देख चुके हैं कि जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं बल्कि वो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना जो फूड है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है रेडीमेड या प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम कैसा न्यूट्रिशन कहते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यूट्रिशन डिपेंड करता है सोर्स ऑफ फूड पे। ठीक है, कभी कभी फूड सोर्स स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी यानी स्टेबल एक ही जगह पे होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल है ग्रास। ठीक है, यानी कि घास जो है ग्रासेस है या प्लांट्स है वो स्टेबल है। ठीक है, तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म जैसे कि हार्बीवोर्स है ना, ठीक है, हार्बीवोर्स यानी कि जो प्लांट मटेरियल या ग्रासेस को फीड करते हैं ना, जैसे कि कैट, ठीक है, सॉरी जैसे कि जो है गो, ठीक है, या इसके अलावा जैसे कि हम बात करें जो हमारे बकरियों से कैटल्स है ना, ठीक है, ये सब किससे फीड करते हैं, जो ग्रासेस यानी जो ग्रीन मटेरियल है उन पर फीड करते हैं। ठीक है, तो इनका जो सोर्स ऑफ फूड है वो कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। ठीक है, स्टेशनरी यानी स्टेबल होता है। ठीक है, कभी कभी जो फूड सोर्स है वो मूविंग होता है, मूविंग यानी कि मूवमेंट करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म डियर जैसे कि लॉयल वगैरह जो है वो किसको खाते हैं, डियर को खाते हैं ना। ठीक है, जैसे हिरन वगैरह, तो ये मूविंग है यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फूड जो है या तो स्टेशनरी हो सकता है या फिर मूविंग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने फूड को एसिड फॉर्म में लेते हैं और फिर उसको बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। वही कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने फूड को बॉडी के आउटसाइड यानी कि बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वही कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने फूड को जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रॉपरली प्रिपेयर्ड लेते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर जो है डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, हम जो है इनके बारे में डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला सैप्रोफिटिक जो सबसे पहला हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कौन सा है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उन्हें ब्रेक डाउन करते हुए कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अपनी बॉडी के बाहर प्रेजेंट यानी आउटसाइड जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उन्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
खराब होके है ना डेथ होके क्या होगी नीचे गिर गई, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म जो कि किल हो गया और सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो फंगस वहां पर क्या करेगा उस डेड एंड के मटेरियल, ठीक है, यानी कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल और कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा सिंपल मटेरियल में और फिर उस सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, कैसे उसकी बॉडी की सरफेस के थ्रू, ठीक है, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और जिसका एग्जाम्पल क्या है फंगसेस, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं रेडीमेड यानी प्रिपेयर्ड फूड जिसमें कि सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें सिर्फ सक करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लाइसेंस की बात करते हैं जो हमारे लियर्स में होती है ना मॉस्किटो, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि उनका क्या होता है होस्ट होता है जिसमें वो ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें एसेज सक कर लेते हैं और उन्हें यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मॉस्किटोज या लाइसेंस जो है हमारे ब्लड में सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो डायरेक्टली क्या करते हैं सिर्फ सकिंग के थ्रू क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्मेशन में, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कभी कभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं जो भी फूड है उसको उसी फॉर्म में लेते हैं और अपने हैंड्स के थ्रू लेकर उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी, ठीक है, हमने जो फूड प्रिपेयर किया उसको हम उसी फॉर्म में लेते हैं कहां पर हमारे बगल कैविटी में और वो वहां पर डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर पूरी तरह से यानी उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में डाइजेशन होता है कहां पर हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वो जो है पूरे फूड मटेरियल को एज सच जो है लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उनकी बॉडी में प्रेजेंट एक सिस्टम क्या करता है उस फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है और साथ में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिलीज आउट करता है, उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि होता है ह्यूमन बींग्स और जो मैमल्स है जो एनिमल्स है इंपॉर्टेंट उनमें, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ पर्टिकुलर सिस्टम जिसको कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसका जो है एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन और ये तीनों टाइप्स से हाइट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है, और अब ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।